गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते बच्चों। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड हेलो मॉर्निंग बच्चों। टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चलो, टीचर। हाँ बच्चों, अभी हो गया गुड मॉर्निंग सबको। अभी हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। हमने लास्ट वीक में फॉर्मेशन लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो स्टार्ट किया था, प्रकाश और छाया का निर्माण। बच्चों अभी आप ना म्यूट कर लो, ठीक है? जब टीचर मैं जब आपको बोलना रहेगा तब आप बोल सकते हो, पर अभी विज्ञान, नहीं। टीचर आज विज्ञान का विषय है। मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग। का विज्ञान है। पेज नंबर है 97, चैप्टर नंबर 14, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, प्रकाश और छाया का निर्माण। ठीक है, हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आप लोग सब ध्यान दो। बेटा अनम्यूट कर लो आप। हेलो, म्यूट कर लो, म्यूट म्यूट कर लो। का माइक ऑन है, वो म्यूट कर लो। जब आपको बोलना है तब फिर आप बोल सकते हो। हाँ, तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने लास्ट लास्ट चैप्टर में, जो हमने लास्ट वीक में स्टार्ट किया था, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडो, प्रकाश और छाया का निर्माण। तो हमने उस पर उस वीक में हमने देखा था कि प्रदीप्त वस्तु क्या होती है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। यानी जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। सॉरी बच्चों, पहले हम थॉट लेते हैं ना, तो चलो थॉट, आज का जो थॉट है हम उसके तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशन इज द मोमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अभी जो एजुकेशन है, हमें यह जो अंधेरा है अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है। ओके बच्चों, जो भी हमारे, क्योंकि हमको, आपको सबको पता है कि एजुकेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन से ही हम अपनी सक्सेस, अपनी प्रोग्रेस, हम अपनी लाइफ अच्छे से बेटर कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसलिए कहा गया है कि शिक्षा शिक्षा ही ऐसा मोमेंट है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाता है। ओके, ठीक है, चलो। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जिनका स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ओके, और उसमें हमने देखा था प्रकाश का संचरण,
प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कैसे लाइट सरल रेखा में, जो स्ट्रेट लाइन में कैसे ट्रेवल करती है, उसी में हमने एग्जांपल्स लिए थे, यानी 3 कार्डबोर्ड लिए थे, उसमें हमने कैंडल की सहायता से देखा था कि कैसे जो है लाइट सीधे लाइन में ट्रेवल करती है। तो हमें उससे पता चला था प्रकाश के सरल मार्ग में होने वाले संचरण को हम प्रकाश का रेखीय संचरण कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन। अब यह जो प्रकाश का परावर्तन है वह कैसे होता है, यह भी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देखा था और यह हमें अच्छे से समझ में आ चुका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। उसके बाद मिरर में बनने वाले प्रतिबिंब, जो समतल दर्पण है उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के भी बारे में हमने पढ़ा था। उसमें भी हमने 2-3 एग्जाम्पल्स के द्वारा समझ लिया था कि वह कैसे होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि पारदर्शी पदार्थ और पारभासक पदार्थ, यानी जिस पदार्थ में से प्रकाश आर पार जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यह भी हमने लास्ट वीक में देखा था, एग्जाम्पल भी लिया था, तो यह हम पढ़ चुके हैं। और जिस पदार्थ में से प्रकाश रूप से आर पार जाता है उसे पारभासक पदार्थ कहते हैं। ओके बच्चों, यह सारी चीजें हमने लास्ट वीक में कंप्लीट की थी। आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ शेडो, यानी छाया का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, तो सब लोग आगे की ओर ध्यान दो। इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ अ लाइट सोर्स, light does not pass through it. As a result, the light does not reach a wall or any other surface on the other side of the object. That part remains dark. This dark part is called a shadow of the object. अभी इसको हम अच्छे से देखेंगे कि ये क्या होता है। किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आने पर प्रकाश आर पार नहीं जाता, इसलिए वस्तु की दूरी और स्थित दीवार अथवा अन्य पृष्ठभाग पर वस्तु की परछाई बनती है। इसी परछाई को हम वस्तु की छाया कहते हैं। तो इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई टॉर्च लो, टॉर्च का प्रकाश किसी दीवार पर डालो। अब अपने सहपाठी को टॉर्च की दीवार के मध्य खड़ा करो, क्या दिखाई देता है? अभी देखो, आपने को क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है, एक टॉर्च लेना है आपको। अभी उस टॉर्च को लेके आपको क्या करना है, आपके जो मित्र है या जो फ्रेंड है उसको बोलना है कि आप टॉर्च के सामने खड़े रहो, यानी टॉर्च की रोशनी उसके ऊपर पड़नी चाहिए। तो आपको क्या दिखाई देगा कि उसकी जो छाया है, उसकी जो शेडो है, हमें दीवार पर बनते हुए दिखाई देगी, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे वो एक लड़का टॉर्च लेके लाइट अपने फ्रेंड के ऊपर मार रहा है, तो देखो जो उसकी जो शेडो है हमें वह दीवार पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की छाया। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आने पर प्रकाश आर पार नहीं जाता। तो इसमें देखो, हम टॉर्च तो मार रहे हैं पर उसमें से टॉर्च आर पार जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां पे अपारदर्शक वस्तु यानी आपका फ्रेंड वहां आके खड़ा हो गया, इसलिए वस्तु की दूसरी ओर स्थित दीवार पर उसकी परछाई बन गई। जो लड़का प्रकाश के बीच में आके खड़ा हो गया, उसकी परछाई दीवार पे बन गई। इसी परछाई को हम क्या कहते हैं, वस्तु की छाया कहते हैं। यानी उस लड़के की परछाई उस दीवार पे बन रही है, इसे ही हम उस वस्तु की छाया कहते हैं, यानी आपके फ्रेंड की छाया परछाई शेडो उस दीवार पे बन रही है। ओके, देखो यहाँ पे आपको अच्छे से बताया है कि वो जो पीछे हमें दिखाई दे रहा है वह उसका शेडो है। ओके बच्चों, टॉर्च की जो रोशनी है आपके फ्रेंड के बॉडी पे पड़ रही है, और उस पड़ने की वजह से उस वस्तु की छाया या उसका जो प्रतिबिंब है वह हमें पीछे दिखाई दे रहा है, उसका शेडो हमें पीछे दिखाई दे रहा है, और उसमें से देखो प्रकाश आर पार नहीं जा पा रहा है। जो आप फ्रेंड आपका बीच में खड़ा हो गया, उसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा रहा है, उस वजह से उसकी जो परछाई है वह हमें पीछे दीवार पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं अभी, चलो आगे।
किसी बड़े कमरे में अपने किसी सहपाठी को अपने अपने से एक निश्चित दूरी पर खड़ा करो। अभी आपको क्या करना है, किसी किसी एक कमरे में, यानी कोई भी एक कमरे में आपका सहपाठी, सहपाठी यानी आपका फ्रेंड, मित्र, सहेली जो भी है, उन्हें आपको एक निश्चित दूरी पर खड़ा करो। टॉर्च का उपयोग करके सहपाठी की छाया कमरे की दीवार पर प्राप्त करो। जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि हमने वो अपने फ्रेंड के ऊपर टॉर्च मारा, उसकी रोशनी टॉर्च की रोशनी आपके फ्रेंड के ऊपर पड़ रही है, तो उसके बाद क्या हुआ, दीवार पर उसकी छाया बन रही है। अब नीचे दी गई कुछ कृतियां करो, छाया में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षण करो और लिखो। अब हमें यह इसका ऑब्जर्वेशन करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, हमको उसके आंसर निकालने हैं या ढूंढना है या कंक्लूजन करना है। ओके बच्चों, सहपाठी को दीवार के समीप जाने के लिए कहो, यानी आपके मित्र को दीवार के पास खड़े रहने के लिए कहो। सहपाठी को अब अपने पास बुलाओ। अब आपको क्या करना है, उसको अपने पास बुलाना है, यानी उसको सबसे पहले दीवार के पास खड़ा रख के उसके ऊपर टॉर्च मारना है। उसके बाद आपको उसकी जो शैडो है वह कैसी बनती है, बड़ी छोटी कैसी बनती है, उसका निरीक्षण करना है। फिर बाद में उसे उसको आपको अपने पास बुलाना है और उसका भी निरीक्षण करना है। अब तुम स्वयं सहपाठी से दूर जाकर वापस उसके पास आ जाओ। अब आपको फिर से अपने सहपाठी से दूर जाकर वापस उसके पास आना है। यानी आपको यह दो तीन कंडीशंस है, दो तीन कंडीशन, यानी पहले आपको उसको दीवार के पास खड़ा रखना है, फिर उसको अपने पास बुलाना है, फिर बाद में दूसरे दूसरे कंडीशंस में आपको दूर जाना है और फिर से उसके पास आना है। टॉर्च को पहले ऊपर और बाद में नीचे ले जाओ। जैसे देखो, आपको इसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि वो लड़का अभी बेंच पे खड़ा हो गया और वो उसको ऊपर से टॉर्च की रोशनी मार रहा है, और बाद में वह नीचे से टॉर्च की रोशनी दे रहा है और दाएं बाएं से भी। तो इन सभी कंडीशंस में क्या होता है, जो शेडो होती है उनका आकार हमें अलग अलग दिखाई देता है। अब कैसे दिखाई देता है वो हम देखते हैं। जब किसी वस्तु में से प्रकाश आर पार नहीं जाता तभी उस वस्तु की छाया बनती है। यानी हमने तो यह देख लिया है कि जब किसी वस्तु में से आर पार प्रकाश नहीं जाता, यानी अपारदर्श वस्तु उसमें से आर पार प्रकाश नहीं जाता, तो उसकी छाया बनती है। यह हमने ध्यान में रख लिया है। ओके बच्चों, इतना आप ध्यान में रखो कि अगर जिसमें से प्रकाश, लाइट आर पार नहीं जाता, उसकी छाया बनती है। प्रकाश के स्रोत, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी तथा दिशा पर छाया का स्वरूप निर्भर होता है। अब प्रकाश का स्रोत यानी जो आपके हाथ में टॉर्च है, जिससे आप लाइट दे रहे हो या जिससे आप लाइट मार रहे हो। वस्तु, फिर जो वस्तु हमारे रास्ते में आ रही है, यानी जो जिसकी छाया बनने वाली है वह वस्तु। और पर्दे के बीच की दूरी तथा दिशा पर छाया का स्वरूप निर्भर करता है। इन चारों चीजों पर ही हमारी जो छाया है उसका छाया वस्तु, पर्दे और दूरी तथा दिशा पर छाया का स्वरूप निर्भर करता है। ओके बच्चों, यानी जो हमने चारों कंडीशंस लिए थे उन कंडीशंस को देख के, जैसे आप इस कंडीशन में देख रहे हो वह नीचे से अपने फ्रेंड के ऊपर लाइट दे रहा है, तो हमें छाया कैसी दिखाई दे रही है, थोड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। अगर वह ऊपर से अपने दोस्त को टॉर्च की रोशनी दे रहा है तो हमें छाया कैसे दिखाई दे रही है, थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है। और देखो, आप देखोगे कि जो वॉल है उस वो वॉल से लेके जो सरफेस वाली वॉल है उसमें भी हमें वह छाया दिखाई दे रही है, और ये इस छाया में भी हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यानी यह सब वस्तु, दिशा और पर्दे के ऊपर यह निर्भर करता है। ओके बच्चों, और यहाँ देखो, सहपाठी को बाएं तथा दाएं जाओ, यानी आपको दाएं बाजू से भी और बाएं बाजू से भी आपके दोस्त को यानी वो टॉर्च की रोशनी दिखाना है। तो क्या होगा, तो सहपाठी के बाएं जाने पर छाया दाई और दाएं जाने पर छाया बाई ओर चलती हुई हमें दिखाई देती है, यानी बनती हुई दिखाई देती है। अगर हम अपने दोस्त को बाएं तरफ से उसको टॉर्च देते हैं तो हमें दाई ओर, और अगर दाएं तरफ से देते हैं तो हमें बाई ओर उसकी परछाई बनती हुई दिखाई देती है। ओके बच्चों,
और टॉर्च को पहले ऊपर और बाद में नीचे ले जाने पर क्या होता है, टॉर्च को ऊपर ले जाने पर छाया पैर के समीप और नीचे ले जाने पर लंबी दिखाई देती है। यह जो हमने इसके पहले जो डायग्राम देखा था वह था उसका। ओके बच्चों, तो यह आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट अभी आते हम प्रातःकाल और सायंकाल सूर्य द्वारा बनने वाली किसी वस्तु की छाया लंबी होती है। अभी हमने देखा है प्रातःकाल और सायंकाल या दोनों चीजों दोनों ही कंडीशन में बनने वाली वस्तु की छाया लंबी होती है। कैसे होती है देखेंगे। दोपहर के समय यह बहुत छोटी होती है। जो दोपहर का समय है, दोपहर के जो सुबह का समय है, देखो सुबह अगर आपने अपनी छाया यानी अपनी शेडो का अगर निरीक्षण किया है तो आपको अपनी परछाई इस तरीके से दिखाई देगी। देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सन है और एक आदमी वहां खड़ा है और उसकी जो परछाई है वह हमें किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो हमें जो मॉर्निंग के समय में जो हमारी छाया है हमारी शेडो है वो इस दिशा में हमें दिखाई देती है। अब दोपहर के समय देखो, दोपहर के समय जो सूरज है उसकी जो पोजीशन है वह चेंज हो चुकी है। पहले वाली पोजीशन में सूरज उसके ऊपर ऊपर नहीं था, साइड में था और उसकी जो परछाई थी सामने की ओर बन रही थी। पर इस कंडीशन में अगर आप देखते हो तो जो सूरज है वह एकदम हमारे सर के ऊपर है। देखो कब पुराने जमाने में जब हम बोलते थे इस बार हमारे दादा दादी लोग बोलते थे कि सर के ऊपर सूरज आ गया यानी 12 बज गए ऐसा बोलते थे पुराने लोग। तो इस कंडीशन में देखो हमारे सर के ऊपर यानी सूरज दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी परछाई है हमारे हमारे हाथ के तरफ यानी हमारे जो हाथ है उस तरफ बनते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे आपको पिक्चर में अच्छे से पिक्चर देखने से आपको समझ में आ रहा होगा। और वही हमने सुबह के टाइम में यह परछाई देखी थी तो वह हमारे सामने तरफ थी यानी हमारे आंखों की तरफ थी वह परछाई। पर इस कंडीशन में हमारे हाथों के तरफ इसकी पोजीशन दिखाई दे रही है। अब यही कंडीशन हम शाम को देखेंगे। अभी सूरज की पोजीशन भी चेंज हो चुकी है। मॉर्निंग में उसकी पोजीशन अलग थी, 12 बजे अलग थी, दोपहर में अलग थी और अभी शाम को उसकी पोजीशन फिर से चेंज हो चुकी है। तो हमारे जो शेडो है या जो हमारी छाया है उसमें भी हमें परिवर्तन होते हुए दिखाई दे रहा है। जो तीनों कंडीशंस में हमारी जो शेडो है वो अलग अलग डायरेक्शन में हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी इस कंडीशन में हमें हमारी परछाई पीछे की ओर बनती हुई दिखाई दे रही है। मॉर्निंग में थी तो सामने बन रही थी, दोपहर में साइड में बन रही थी और अब फिर से शाम को वह पीछे की ओर बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, तो तीनों कंडीशंस आपके सामने हैं। आप अच्छे से इसको देखो, अच्छे से निरीक्षण करो। तीनों कंडीशन जो पहली कंडीशन में देखो सामने की ओर है, फिर दूसरी कंडीशन है उसमें हमारे हाथों की ओर है यानी हमारे हाथ जिस साइड है उस ओर हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, और थर्ड जो कंडीशन है शाम वाली उसमें हमें पीछे की ओर शेडो बनती हुई दिखाई दे रही है। ओके, जब किसी वस्तु में से प्रकाश आर पार नहीं जाता तब उस वस्तु की छाया बनती है, यह हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश के स्रोत वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी तथा दिशा पर छाया का स्वरूप निर्भर करता है, यह भी हम समझ चुके हैं। जो हमारे सहपाठी को हमने अंधेरे रूम में खड़ा करके उसके ऊपर हमने टॉर्च दिया था तो हमने चारों कंडीशन में देखा। पास लाने से क्या होता है, दूर लाने से क्या होता है, ऊपर से देने से, नीचे से देने से, तो यह सब दूरी दिशा पर निर्भर करता है। ओके बच्चों, अब देखो प्रातः काल में सायंकाल सूर्य द्वारा बनने वाली किसी वस्तु की छाया लंबी होती है। दोपहर के समय बहुत छोटी होती है। छाया में होने वाला परिवर्तन प्रकाश के स्रोत वस्तु और छाया किस पर बनने वाली है उस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे बताया है, एक तो देखो जो हमारी शेडो थी उसको उसका भी जो डायरेक्शन था वह चेंज हो गया। तीनों टाइम उसकी दिशाएं बदल चुकी थी यानी पोजीशन उसकी चेंज थी। और साथ ही साथ जो शाम को और सुबह छाया बनती है वह लंबी होती है। किसके मुकाबले में, दोपहर के मुकाबले में। जो दोपहर की छाया थी वह छोटी होती है और जो सुबह और शाम की जो हमारी शेडो बनती है वह बड़ी होती है। ओके बच्चों, तो छाया में होने वाले परिवर्तन प्रकाश के स्रोत वस्तु और छाया किस पर बनने वाली है उस पर निर्भर करता है।
अभी आगे देखो, सड़क पर पैदल चलते समय यदि हम आसपास के वृक्षों की छाया का प्रेक्षण करें तो हमें यह परिवर्तन आसानी से समझ में आ जाता है। छाया में होने वाला परिवर्तन प्रकाश के स्रोत, वस्तु और छाया किस पर बनने वाली उस पर निर्भर करता है। जो अभी हमने देखा कि जो अभी अभी एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, जो अपने दोस्त को हमने अंधेरे एक रूम में खड़ा किया था, तो इस पर से हमें अच्छे से समझ में आ गया कि छाया यह कैसे प्रकाश के स्रोत, दूरी, दिशा और पर्दे पर निर्भर करती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अ सनडायल, धूप घड़ी का आपने नाम सुना तो होगा ही, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ सनडायल इज एन इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट इंडिकेट द टाइम विद द हेल्प ऑफ द एक्सटेंड एंड द डायरेक्शन ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द सनलाइट। अर्लियर टाइम वॉज मेजर्ड बाय प्लेसिंग अ स्टिक पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड बाय नोटिंग द पोजिशन ऑफ शेडो ऑन द डायल ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ द डे, द लार्जेस्ट सन डायल एट द जंतर मंतर न्यू दिल्ली। तो ये जो सन डायल है इसको हम क्या कहते हैं, धूप घड़ी। अब यह धूप घड़ी कैसे काम करती है इसके बारे में हम देखेंगे। किसी वस्तु सॉरी किसी वस्तु की छा किसी वस्तु की सूर्य के प्रकाश में बनने वाली छाया के आकार तथा दिशा की सहायता से समय दर्शाने वाले उपकरण को धूप घड़ी कहते हैं। यानी किसी वस्तु वस्तु की सूर्य के प्रकाश में बनने वाली छाया, यानी किसी वस्तु की जो सूर्य के प्रकाश से यानी जो सनलाइट पड़ने से जो छाया बनती है उसकी सहायता से जो समय दर्शाता है उसे हम धूप घड़ी कहते हैं। यानी मान लो कोई वस्तु पड़ रही है और उसकी सनलाइट पड़ रही है किसी वस्तु पे, फिर उसकी जो छाया बनने बनती है उस छाया के हिसाब से हम टाइम कैसे कितना हुआ है यह डिसाइड करते हैं। तो वही काम यह जो है सनडायल या धूप घड़ी करती है। एक लकड़ी या एक छड़ी को पृथ्वी के अक्ष के समांतर रखकर उसकी छाया दिन में भिन्न भिन्न समय में घड़ी के डायल पर कहाँ पड़ती है उसे लिखकर समय का मापन किया जाता है। सबसे बड़ी धूप घड़ी जंतर मंतर में है। तो यह जो धूप घड़ी है यह कैसे काम करती है, अगर किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है फिर बाद में उसकी जो छाया बनती है उस छाया को मेजर करके यानी वह छाया को देख के उस समय कितना टाइम हुआ है यह इस धूप घड़ी से या इस सन डायल से हम अंदाजा लगाते थे। तो और यह जो है सबसे बड़ी यह है न्यू दिल्ली जंतर मंतर में यह घड़ी है। ओके बच्चों, न्यू दिल्ली में जंतर मंतर में इसका स्थान है, यह वहां पे हमें दिखाई देती है। तो आपको देखो सामने दिखाई दे रहा है जंतर मंतर नई दिल्ली, सबसे बड़ी जो धूप घड़ी है यानी सन डायल है यह दिल्ली में हमें दिखाई देती है। भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रकाश का विकिरीकरण संबंधी शोध रमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अब यह जो है साइंटिस्ट थे हमारे सीवी रमन सर, इन्होंने ही इस धूप घड़ी का आविष्कार किया था। तो इन्होंने क्या किया, प्रकाश का विकिरण संबंधी शोध रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 28 फरवरी 1928 को यह शोध किया। उन्होंने यह शोध कब किया, 28 फरवरी 1928 को यह शोध किया। उनकी इस शोध की स्मृति में 1987 से 28 फरवरी का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो 28 फरवरी का दिन है, जो 28 फरवरी डेट आती है, तो हम उसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसकी याद में मनाते हैं, डॉक्टर सीवी रमन, ये हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनके याद में हम यह जो विज्ञान दिवस है यह हम मनाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अभी आगे देखते हैं। कुछ आपको एक्टिविटीज है लिटिल फन जो आपने देखा भी होगा इधर उधर किसी को करते हुए या आप लोग भी करते होंगे,
जो छाया का निर्माण हमारे जो फिंगर्स है, देखो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमारे हाथों से और फिंगर्स से हम भिन्न भिन्न शेप्स बनाते हैं, उसमें हम पक्षियों के बनाते हैं, बर्ड्स बनाते हैं, एनिमल्स बनाते हैं, ये ऐसे बहुत सारे जो डिफरेंट शेप है हम अपने हाथों की मदद से, फिंगर्स की मदद से हम ये डिफरेंट शेप बनाते हैं। जैसे देखो फर्स्ट पिक्चर में आपको कुछ डॉगी जैसा दिखाई दे रहा है, सेकेंड इसमें स्नेल जैसा दिखाई दे रहा है, थर्ड में बर्ड जैसा दिखाई दे रहा है, और फोर्थ में भी बर्ड की नेक जैसा दिखाई दे रहा है। तो यह जो सारे शेप है हम अपने हाथों की मदद से बनाते हैं, शायद आप लोग भी बनाते होंगे या ऐसा बनाने का ट्राई करो, शायद देखो आपसे बनता है क्या। ओके बच्चों, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, एक हमें एक्सपेरिमेंट दिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कांच का ग्लास, पानी, बड़ा सफेद कागज। हमें क्या करना है, एक कांच का ग्लास लेना है, पानी लेना है और एक बड़ा सफेद कागज लेना है। तो आपको स्क्रीन पे देखो दिखाई दे रहा है, हमने सबसे पहले ले लिया कांच का ग्लास, पानी, बड़ा सफेद कागज, व्हाइट पेपर हमने ले लिया। पानी से भरे हुए ग्लास को खिड़की के पास ऐसे स्थान पर रखो जहां सूर्य का प्रकाश पहुंचता हो। अभी हमें पानी को कहाँ रखना है, ऐसे जगह पे रखना है कि उसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता हो। ओके, ग्लास के नीचे सफेद कागज रखो। कागज पर क्या दिखाई देता है, देखो हमने ग्लास ग्लास में हमारे पानी भरा हुआ है और हमने उसे ऐसे ऐसे स्थान पर रखा जहां पे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, और नीचे हमने व्हाइट पेपर जो हमने सफेद कागज लिया था वह हमने ले लिया। कागज पर हमें क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको कागज पे, प्रिज्म तथा आपको देखो जो प्रकाश है ग्लास में से निकलता हुआ प्रकाश हमें पेपर पे दिखाई दे रहा है और ग्लास की छाया भी दिखाई दे रही है, यानी ग्लास की हमें शेडो भी दिखाई दे रही है। जैसे वो ब्लैक वाली देखो पेपर पेपर पे आप देखोगे तो वह ग्लास की शेडो है, और उसमें ही हमें सूर्य प्रकाश भी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक हमें डॉट सा डॉट जैसा दिखाई दे रहा है वह है सूर्य प्रकाश, और ग्लास की शेडो भी हमें दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अभी हमें दूसरा प्रयोग करना है, साबुन का पानी और छोटा तार। अभी आपको देखो साबुन का पानी लेना है और छोटा तार जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, किसी छोटे पतले तार को मोड़कर एक छल्ला बना लो। हमें क्या करना है, एक छल्ला बनाना है। साबुन का पानी हमने ले लिया और छोटा तार ले लिया, उसे घुमाकर हमें छल्ला बना लेना है। इस छल्ले को साबुन के पानी में डुबाकर उस पर मुंह से फूंक मारो। अभी हमने क्या करना है, जो हमने ये तार लिया है उसका जो हमने छल्ला बनाया है यानी जो सर्कल हमने उसका किया है, उसको हमें साबुन के पानी में डालना है। साबुन के पानी में डालने के बाद उसे हमें मुंह से फूंक मारना है, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा कि जो साबुन के जो बबल्स है वो हमें हवा में उड़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यह तो आप लोगों ने बहुत बार किया भी है, तो हमें साबुन साबुन के बबल्स हुए दिखाई देते हैं, और जिनका रंग इंद्रधनुष के रंगों जैसा होता है, जो बबल्स निकल इंद्रधनुष के रंगों जैसा निकलता हुआ हमें दिखाई देता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अभी हमें थर्ड थर्ड चीज करके देखनी है, सीढ़ी धूप में सीढ़ी धूप में पकड़े तो क्या। अभी हमने सीढ़ी सीढ़ी धूप में पकड़े तो क्या दिखाई देता है। अभी हमें क्या करना है, एक सीढ़ी ले रहा है, देखो सीढ़ी आप लोगों ने देखी होगी, जो सीढ़ी लगाने से हम म्यूजिक म्यूजिक प्लेयर में सीढ़ी लगाने से गाने बजते हैं, पिक्चर आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है,
तो उसको भी आप अगर धूप में रखते हो, धूप की किरण अगर उस पे पड़ती है तो आप उसमें देखोगे कि इंद्रधनुष के रंग उस पे दिखाई देते हैं, जो इंद्रधनुष है उसके रंग हमें इस पे दिखाई देते हैं, आप स्क्रीन पे अच्छे से देख सकते हो, और उसकी जो छाया है, जो उसकी शेडो है, वो पीछे साइड में पड़ते हुए हमें दिखाई दे रही है, यानी हम उसकी शेडो भी देख पा रहे हैं, इंद्रधनुष के रंग भी देख पा रहे हैं। किसकी मदद से? सीडी की मदद से। सीडी सीडी के जो सरफेस है उस पे हमें इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे हैं, रेमबो के रंग दिखाई दे रहे हैं, और उसकी जो शेडो है वह हमें पीछे साइड बनते हुए दिखाई दे रही है। अब आगे चलते हैं। इन द पास्ट ब्रिटिश वैज्ञानिक सर आइजेक न्यूटन ने एक चक्रिका बनाई, जो हमारे वैज्ञानिक थे आइजेक न्यूटन, उन्होंने एक चक्रिका बनाई जो आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। उसके एक पृष्ठभाग पर लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी नीला तथा बैंगनी, इन सात रंगों को केंद्र के सापेक्ष समान क्षेत्र में लगाया। अब उन्होंने क्या किया, एक चक्रिका बनाई जो आपको ये देखो दिखाई दे रही है, इसे हम न्यूटन्स कलर डाइस भी कहते हैं। तो उन्होंने उन्होंने इस पे कलर नारंगी, पीला, लाल, नीला, बैगनी, इन सात रंगों को समान भागों में उन्होंने बांट दिया। अभी जो ये डिस्क बनाई उन्होंने, उनके इन सातों रंगों को उन्होंने समान भागों में बांट दिया। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, इस चक्रिका को किसी स्टैंड पर लगाकर उसे तेजी से घुमाओ। अब उन्होंने इस चक्र को एक स्टैंड पे लगा दिया, जैसे आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमने स्टैंड पे उस चक्रिका को लगा दिया। अब इसे हमें जोर से घुमाना है। अभी हम इसको जोर से घुमाएंगे तो क्या होगा, तो उसे हम जोर से अगर घुमाते हैं तो सात रंग ना दिखाई देकर केवल एक ही रंग हमें दिखाई देगा, वो भी कौन सा, वाइट। अगर हम इस चक्रिका को जोर से घुमाएंगे, एकदम स्पीड से घुमाएंगे, तो यह जो सातों रंग है वह हमें नहीं दिखाई देंगे, हमें सिर्फ एक ही कलर दिखाई देगा, और वह कलर है सफेद। सफेद कलर हमें उस कार्डबोर्ड पे दिखाई देगा, सारे कलर हमें नहीं दिखाई देंगे। इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि सूर्य का प्रकाश सात रंगों में से निर्मित है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि जो सूर्य का प्रकाश है वह सातों रंगों से मिलकर बना हुआ है, यानी उसमें सातों रंग होते हैं। इसे ही हम न्यूटन की चक्रिका कहते हैं। जो यह प्रयोग है, यानी जो ये चक्रिका है, यह आइजेक न्यूटन सर ने बनाया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन की चक्रिका कहते हैं। प्रकाश से ही संबंधित द ऑप्टिक्स नामक एक ग्रंथ भी न्यूटन द्वारा लिखा गया है। उन्होंने इस पर एक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम द ऑप्टिक्स नाम का ग्रंथ भी सर आइजेक न्यूटन सर ने लिखा हुआ है। ओके बच्चों, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। और आगे हम देखते हैं, यह हमेशा ध्यान में रखो, प्रकाश स्रोत वस्तु तथा जिस पर छाया बनती है वह वस्तु, इन तीनों के बीच की पारंपरिक दूरी और दिशा पर छाया का आकार निर्भर होता है। रात के समय हमें जो परछाई या छाया दिखाई देती है उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके निर्माण में विज्ञान का हाथ होता है। यह सारी चीजें हमने अच्छे से एग्जाम्पल्स के थ्रू देखी है, समझी है। अगर आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, आप एक बार रीडिंग करो अपना बुक, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो हमने क्या सीखा, इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। प्रकाश प्रदान करने वाले पदार्थों को प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश का उद्गम कहते हैं। सूर्य, तारे, जुगनू आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। कंदील, मोमबत्ती की ज्योति, बिजली का बल्ब इत्यादि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत है। प्रकाश का संचरण सरल रेखा में होता है। यह हमने कबर्ड यानी कार्डबोर्ड वाला एग्जाम्पल लिया था, फिर से हमने नली वाला एक एग्जाम्पल लिया था, इससे हमें समझ में आ गया था कि जो लाइट है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु के पृष्ठभाग से प्रकाश का परावर्तन होना आवश्यक है। प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शक वस्तु आने पर उस वस्तु की परछाई अर्थात छाया का निर्माण होता है। यह भी हमने देख चुके हैं कि अगर प्रकाश के रास्ते में यानी लाइट के रास्ते में अगर कोई अपारदर्शक वस्तु आती है तो उसकी शेडो हमें बनती हुई दिखाई देती है, उससे ही छाया का निर्माण होता है। यह भी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू देख चुके हैं।
सूर्य के सफेद प्रकाश के साथ रंग होते, सूर्य के सफेद प्रकाश के साथ रंग होते, यह अभी हमने अभी जो डिक्स वाला एग्जाम्पल लिया, जो हमने चक्रिका वाला एग्जाम्पल लिया, सात रंग थे उसमें, पर हमने उसको जब घुमाया तो हमें सात रंगों की बजाय सिर्फ एक ही रंग दिखाई दिया, वो भी कौन सा? सफेद रंग। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हम स्वाध्याय की तरफ। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? रुकोगे दिमाग यस को। टीचर, हाँ, आप ना यस टीचर, एक आवाज आ रही है। ओके, समझ में आया बेटा? यस हाँ ठीक है, चलो आप ना इसका स्क्रीनशॉट लो। तो टीचर, हाँ, सारा जो आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ। ओके टीचर, नेक्स्ट लो अभी। टीचर हाँ ठीक है बेटा, सबको लेने दो। सर, अभी नेक्स्ट लो, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, क्या चाहिए तुमको? क्वेश्चन नंबर थर्ड लो बेटा, जोड़िया मिलाओ। मैच द हो फॉलोइंग, गया टीचर। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर फोर लो। क्वेश्चन नंबर फोर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। मैग्नेट, हाँ, फोर्थ वाला, फोर्थ का बी लो, जो बी ले लो आप स्क्रीनशॉट। नहीं, छाया का क्या क्वेश्चन आप आंसर फर्स्ट से दिखाऊं? मैं लिया नहीं मैंने, ले लो क्वेश्चन आंसर। नो मिस, फर्स्ट ए वाला दिखाओ, बी वाला, सी वाला। सी वाला ले लिया पहले, सी वाला नहीं लिया मिस, एक मिनट ले लीजिए। सी वाले का ले लो स्क्रीनशॉट। वाला नहीं लिया है। हाँ पहले सी तो लो, मैं बी दिखा रही हूँ। लिया मिस, लिया। हाँ अभी बी वाला लो, लिया बी का। ए वाला, थैंक फोटो लाओ नहीं है। यू मिस, अभी मैच द फॉलोइंग, वो सब ले लिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है ये, और ये लिया क्वेश्चन नंबर वन ले लिया है। ठीक है, हो गया सारा? यस टीचर, यस मिस। हाँ, आप इसको क्या दिखाओ बेटा? मिस मेरा नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? दिखाई दिमाग में ठीक है। देखो आप, आपको ये मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है, आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन करो। ऊपर से आपको लेसन भी पढ़ना है, अगर कुछ आपको नहीं समझा होगा तो एक बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ, यस टीचर। और ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया इस लेसन में? नो टीचर, ठीक है, यह चैप्टर हमारा इधर खत्म हो गया है। कि नेक्स्ट हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, बाय बाय टीचर, बाय बेटा, तब तक आप पढ़ाई करो, बाहर मत निकलो, मास्क। यस टीचर, बाय टीचर, बाय बेटा, बाय बेटा।